तो गाइस देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और बादल देख सकते हो कितने नीचे से जा रहे हैं, और उस साइड से मतलब पानी गिरने वाला लग रहा है। देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे हो कि मैं अभी से मतलब कुर्ता उर्ता क्यों पहना हूँ, दोपहर के बाद जो है अराउंड 2। सो मैं आपको बता दूँ कि मैं कुर्ता इसलिए पहना हूँ बिकॉज मैं अभी थोड़ी देर पहले रील्स वीडियो शूट कर रहा था, और अभी और भी रील्स वीडियो शूट करना है, इसलिए मैं कुर्ता उर्ता पहना हुआ हूँ। और अगर आपने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लेना, इससे पहले वाला ब्लॉग आपको चैनल मिल जाएगा। उस ब्लॉग में हम गए हुए थे गढ़पुलझर, और वहाँ मतलब ऐसे अजीब अजीब घटनाएँ हुआ था, मैं उस बारे में वो वाले ब्लॉग में बताया हूँ, मतलब जो आप सुने नहीं होगी फुलझर के बारे में, वैसे वैसे घटना हुआ था वो सब चीज़ें उस वाले ब्लॉग में बताया, तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। अगर आप उससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखे हो जो कि हम गए हुए थे मिनी गोवा वाला, वो वाला ब्लॉग भी आप जाके देख सकते हो, और उसमें है मैं, कुंदन और हर्ष है, तीनों का कोलेब्रेशन टाइप से वीडियो बना हुआ है, सो आप जाके चैनल में देख सकते हो। और फिलहाल तो मैं सुबह टाइम में हम लोग आ गए थे, सो अभी तो फिलहाल देखते हैं क्या करना होता है, फिर हम ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, हम लोगों ने जो चैलेंज लिया हुआ था 100 डे 100 ब्लॉग्स का, वो फाइनली कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाला है। ऑलमोस्ट 90% हमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया, और 10% बचा हुआ है, सो कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा वो भी। सो मतलब सुन के मतलब मेरे खुद को अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं चैलेंज लिया और उसको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। और मैं तो सोच रहा हूँ कि वो 100 चैलेंज लिया था 100 दिन का, बट उसको अब बढ़ा के या तो 200 करते हैं या फिर 365 करते हैं। और आप सोच सकते हो अगर हम 200 या 365 करते हैं, 200 चलो हटाओ हम कर लेंगे बिकॉज हम 100 कर लिए तो, और 100 करने में क्या है, बट सोचो आप 300 अगर 65 करते हैं तो पूरा एक साल हमारा कंटिन्यू हो जाएगा व्लॉगिंग में, मतलब डेली व्लॉग शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना। सोच सकते हो कितना ज़्यादा मतलब फुल टाइम देना पड़ेगा यूट्यूब में अपने को, जो कि एक साल अगर हम 365 दिन वाला लेते हैं चैलेंज, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि लेना चाहिए करके। और अगर आप क्या सोचते हो आप कमेंट करके बॉक्स में बता सकते हो। मैं तो सोच रहा हूँ यूट्यूब को फुल टाइम देने का, अगर आपको पसंद आता है तो मैं यूट्यूब को फुल टाइम करूँगा, और 365 डे वाला चैलेंज भी हम लेंगे। सो कमेंट करके आप बता देना एक बार आप क्या चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो मेरा 365 दिन का पूरा चैलेंज वीडियो, सो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि कंप्लीट कर पाऊँ। और जैसे कि हम लोग गए हुए थे कल गांव, सो मतलब पानी वानी गिरा था इस साइड से सरायपाली में, और मैं आपको दिखाता हूँ तालाब कितना ज़्यादा भर चुका है। मतलब अगर आपके मतलब सरायपाली में क्या है कि हमारे इस साइड का एरिया का बात करूँ, अगर एक घंटा ये पानी गिरता है आसपास के घर वर है जितना भी मोहल्ला है सबका पानी क्या है कि हमारे तालाब में जाके इकट्ठा होता है, सो इसलिए एक घंटा ये पानी गिरता है तो ये भर जाता है। तो आपको दिखाता हूँ कितना भरा हुआ है, सो देख सकते हो पानी कितना आ चुका है, और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग मछली वछली पकड़ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ रील्स वीडियो शूट करने का, और 2 रील्स वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं, और 2-3 करता हूँ, उसके बाद देखते हैं शाम के टाइम में क्या करना होता है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम व्लॉगिंग। तब तक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको फिर इंस्टाग्राम का, जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के अराउंड 5:30, देख सकते हो मौसम कितना अंधेरा कर रहा है, एक ही मतलब है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के अराउंड 6, और मौसम देख सकते हो मतलब पानी गिरने वाला है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और फिलहाल रील्स वीडियो तो मैं शूट कर लिया हूँ, मतलब 2-3 किया था रील्स वीडियो शूट किया था, उसको मतलब अपलोड में भी लगा दिया था, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा इसलिए उसको मैं डिलीट कर दिया रील्स वीडियो को। फिर से देखते हैं रात के टाइम में रील्स वीडियो शूट करता हूँ, अगर अच्छा अच्छा निकल पाता है तो ठीक है, या फिर हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। और गाइस जब से मैं वहाँ से आया हूँ मैं आपको बताता हूँ, मतलब फ़ोन में मेरे चार्ज था 80% के आसपास, वीडियो अपलोड करते करते मतलब बहुत लंबा टाइम लग गया वीडियो अपलोड होने में, और बहुत MB का भी था, एकदम मेरा चार्ज पूरा डाउन हो गया था, और पावर बैंक में चार्ज नहीं था, फिर मैं पावर बैंक को चार्ज चढ़ाया, फिर मतलब जैसा कि फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला होता था फिर मैं पावर बैंक को निकाल फिर चार्ज करता था, ऐसे करते करते मतलब मैं 5-6 बार आज फ़ोन को चार्ज किया, और आज चार्ज फुल हो ही नहीं पाया पता नहीं कैसे। अब देखते हैं क्या करना होता है, फिर हम ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और गाइस देख सकते हो वेदर अभी मतलब बदली बदली है, सो मतलब हवा भी चल रहा है ठंडा ठंडा, क्या तो अभी मस्त मस्त ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है। गाइस मौसम देख सकते हो कैसे बदली कर रहा है, और उस साइड से मतलब पानी गिरने वाला लग रहा है, देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है, सो फिलहाल देखते हैं पानी वानी गिरता है तो मैं आगे दिखाता हूँ। वैसे तो थोड़ी देर मतलब अंधेरा होने वाला है, बट देखते हैं अगर लाइट अगर गोल होता है तो हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, बट अगर लाइट गोल नहीं होता तो हम ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, जब पानी गिरता है उस टाइम को मैं दिखाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना होता है। और गाइस मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरी बहन खुद ब्लॉग मेरे को बनाने दे रही है, सो मैं दूसरे को क्या बोलूँ, जब घर ही के लोग मेरे को ब्लॉग बनाता हूँ तो हंसते रहते हैं। आप सोच सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उससे हम मोटिवेट होंगे बहुत ही ज़्यादा। और देख सकते हो इसका हाथ, सो आप लाइक कर देना, ये बहुत ज़्यादा हंसा रही है, सो वो देखते हैं। और आवाज़ सुन सकते हो आप कितना मौसम कितना ज़्यादा ख़राब पड़ा हुआ, लग रहा है, चुप रहना भाई तू,
गाइस, जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मौसम फिर से ख़राब हो रहा है और पावर बैंक में मतलब चार्ज नहीं है, 1% चार्ज है, मतलब 4.1 पॉइंट चार्जर, फ़ोन में भी लगभग 10% चार्ज है। सो देखते हैं, मैं पावर बैंक में चार्ज कर देता हूँ, बिकॉज पावर बैंक में चार्ज जाएगा तो फ़ोन में भी चार्ज करते बन जाएगा बाद में, फिर देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है और बादल देख सकते हो कितने नीचे से जा रहे हैं और कितने स्पीड में जा रहा है देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि टाइम लैप्स चल रहा है टाइप से, बट ये रियल में देख सकते हो कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। और मौसम देख के आज ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन है, दुनिया खत्म होने वाला है टाइप से। ओ भाई कतई ख़राब है मौसम। गाइज मेरे को तो नहीं लगता ब्लॉग बना सकते हैं बिकॉज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो फिलहाल अभी तो हम ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मैं जाता हूँ फ़ोन और पावर बैंक को चार्ज कर देता हूँ, और मतलब चार्ज होने तक तो अंधेरा हो जाएगा इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना सकते। तो ब्लॉग में उनको यहीं पे एंड करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।